अनूपपुर जिला चिकित्सालय में मरीज आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए इस उम्मीद से कि कहीं जान बचाने वाले भगवान मिल जाए, पर धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तो मरीजों को इंसान कम जानवर समझकर भी ध्यान नहीं देते। यूं तो जिला चिकित्सालय अनूपपुर में बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, पर सब मिस्टर इंडिया फिल्म की तरह से गायब हो जाते हैं। कब आते हैं मरीजों को पता नहीं चलता है, सिर्फ नर्सों को पता चलता है और फिर उन्हें ही दिखाई देते हैं। मरीज इलाज के लिए तड़पता रहता है पर डॉक्टरों का अता पता नहीं रहता है। चलिए आपको जिला चिकित्सालय में एक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप जाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि जाएं कि नहीं। मरीज परेशान हो रहा है पर डॉक्टर साहब का अता पता नहीं। सुनिए मरीज की परेशानी मरीज की जुबानी से कि जिला चिकित्सालय के बड़े बड़े डॉक्टर और स्टाफ की कोई कमी नहीं रहती है, पर यहाँ पर डॉक्टर देखने को और इलाज के लिए मरीज तरसते रह जाते हैं। पर जिला चिकित्सालय में डॉक्टर अपनी ड्यूटी कम प्राइवेट क्लिनिक में अपना समय देने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, चाहे मरीज मरे हो या जिए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताजा हाल यह है कि जब एक स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी निर्मला सिंह के साथ भी अन्य मरीजों की तरह रवैया अपनाया, तो निर्मला सिंह ने मीडिया की टीम को बातचीत में बताया कि मुझे मेरे पेट में पथरी है पर मुझे डॉक्टर कौशिक देखने नहीं आए, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको डॉक्टर कौशिक देखेंगे, पर डॉक्टर कौशिक ने मुझे नीचे बुलवाया और फिर कहां चले गए पता नहीं है। रात हो चुकी, डॉक्टर कौशिक अभी तक नहीं है। वही रात को जब मरीजों को खाना दिया जा रहा था, तब मीडिया की टीम ने अपने कैमरे में अधपकी रोटी और जली हुई रोटी और खराब तरीके से बनी हुई दाल सब्जी को मरीज के थाली में देखा गया, जिसे मरीज खा भी नहीं सकते हैं। साथ ही बड़ी हैरत करने वाली बात भी सामने निकल कर आई है, सब मरीजों को एक ही प्रकार का खाना, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती है। खाना कैसा है? खाना रोटी कैसे दिख रहा है, कच्ची भी है, जल गया है। जल गया हुआ है, कच्ची भी है। कब से एडमिट है आप? मैं आज ही लेके आया हूँ। आज ही लेके आए हैं? सुबह भी मिला था क्या? सुबह मिला था। कच्ची? हाँ सुबह भी ऐसे था। ऐसे ही था। निर्मला जी, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिल पा रही है? जी। स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। जब से एडमिट करे हैं वो बताए कि परसों सर से मिली थी, वो बोले जाके कौशिक सर को दिखाओ। कौशिक सर को पूरी बहू गई थी पर चले के, तो बोलते हैं हम यहाँ कोठी में लेके आओ मरीज को, देख लेंगे। मेरे को पकड़ के हाथ ले गई, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर कोठी में, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची वहाँ पे। तो डॉक्टर ने देखा, बस मेरे पेट टूट कर जाँच किए और बहुत से बोले कि मतलब तुम पर्चा लेके आओ इनका दवाई के लिए। जब पर्चा लेके गई तब तक डॉक्टर पास पता नहीं कहाँ चले गए थे। उनका नंबर प्राप्त करी, फ़ोन लगाई, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए ना, अभी तक देखने आए। बस जो माजी सर दवाई लिखे थे बस वही चलिए, सवेरे हो गया। उतना अच्छा केयर नहीं कर रहे हैं ना, देखभाल कर रहे हैं। जब तुम डॉक्टर कौशिक पास गए थे, पहले तो 2 घंटा 1 घंटा वहीं खड़े रह गए थे उनका वेट करते हुए, वो काम कर रहे थे। उसके बाद किसी तरह से उनके पास गए अंदर में, तो बोले कि अभी रुको, फिर बोले मरीज को लेके आओ। बोले कंडीशन में नहीं लाने की, तो बोले फिर भी लेके आओ। फिर हम किसी तरह उनको पकड़ के ले गए अपनी मम्मी को। उसके बाद फिर बाहर थोड़ा सा जाँच होती है, फिर मेरे को बोलते हैं कि जाओ पर्ची लेके आओ, जो पर्ची उसमें जमा है उसको लेने के पहले वो वापस चले गए, दूर के रहकर कहीं हमको नहीं मिले। उसके बाद उनका नंबर प्राप्त किए, सुबह से फोन लगा रहा, अभी तक वो फ़ोन नहीं उठाए, ना दवाई लिखे ना कुछ बताए। उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, तो इंसान बीमार कब से पड़ा है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह। क्या नाम है? श्रद्धा सिंह। श्रद्धा सिंह, क्या हुआ है आपकी सास को? मेरी सास को पेट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने पथरी बताई है, लीवर में इन्फेक्शन बताया है, और पेट में बोले पानी उसमें आ गया है, बहुत सारी बीमारी बताई। उन्हीं को दिखाने के लिए सर बोले कि उन्हीं को दिखा देते, सूजन है पूरे चेहरे में, पैर में बहुत तकलीफ है।